सदानंद कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं और भगवान श्री गणेश जी महाराज लंबोदर 1 मुख है। गणेश जी महाराज साधना में लीन होते पर सदानंद कार्तिकेय जब भी बैठते हैं एक बार की साधना में जो कार्तिकेय बाबा बैठे हजारों वर्ष तक उनकी साधना टूटती ही नहीं, टूटती नहीं। एक बार पूछा गया सदानंद कार्तिकेय जी से और गणेश जी से कि गणेश जी महाराज साधना में लीन नहीं होते और सदानंद कार्तिकेय 6 मुखधारी 6 मुख वाले कार्तिकेय बाबा एकदम मौन साधना में डूबे रहते हैं, क्यों? सदानंद कार्तिकेय जी ने कहा कि मौन का मेरे 6 मुख हैं और 6 मुख में 6 जिभ्या हैं, इन 6 जिभ्या से अगर मैं बोलूंगा तो वो श्रेष्ठता नहीं होगा, उसका एक लक्षण प्रबल हो जाए कि मेरी मौनता रहे, मैं चुप रहूं। और मेरे चुप रहने में मैं भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहता हूं, भगवान शिव की विरल भक्ति में समाया होता हूं। हमने भिलाई की कथा में एक बात कही थी कि बुढ़ापे का परम आभूषण है चुप रहना, बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। आप जितने चुप हो, आप जितने मौन हो, उतने प्रभु के करीब हो, उतने करीब हो आप शंकर। पर मौन कहां रहना है, मौन किस जगह पर रहना है? शिव महापुराण की कथा कथी है मौन रहने के लिए भी एक स्थान बताया गया है कि जहां अंतिम का क्षण निकल रहा हो वहां मौन रहिए। वहां मौन रहिए, शांत रहिए। जहां व्यर्थ की बातें हो रही हो वहां मौन रहिए, पर बोलने की जब जरूरत हो, अपने सनातन धर्म पर अगर कोई ठेस पहुंचा रहा हो, अपने सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा रहा हो, अपने धर्म पर, अपनी सनातन धर्म के ऊपर कोई आक्षेप ठोक रहा हो, उस जगह पर तुम्हें मौन नहीं रहना है, उस जगह पर तुम्हें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। वहां मौनता की जरूरत नहीं है, वहां फिर मौन की जरूरत नहीं पड़ती। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर के विरल भक्ति कथी है, शिव तत्व कहता है कि मौनता में शिव की प्राप्ति है। पर कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां मौन रही है और कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां बोली है। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि झूठ बोलने का भी स्थान बताया गया है कि झूठ कहां बोलना है। अब लोग कहेंगे गुरुजी आप हमें बता रहे हो कि पुराण में लिखा है कि झूठ बोलने का भी स्थान होता है। हाँ, झूठ बोलने के लिए स्थान बताया गया। किसी की गाय कसाई के यहां कटने के लिए जा रही हो और तुम्हें दिख जाए कि यह गाय कसाई के यहां कट रही है, उस जगह पर तुम झूठ बोल दो कि यह गाय मेरी है और उसको कटने से बचा लो, तो यह झूठ बोलना भी तुम्हारा साथ। गौमाता अगर कहीं कटने के लिए जा रही हो, तुम्हारे तुम्हें दिख रहा है कि यह कसाई के यहां कट रही है, उस जगह पर झूठ बोल दो कि यह गाय मेरी है। तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी का घर बन रहा है, किसी का जीवन सार्थक हो रहा है, तो वहां झूठ बोल सकते, झूठ बोल सकते। हमारे यहां तो झूठ बोलने का भी स्थान बताया गया है कि कोई गौ माता अगर कटने के लिए कसाई किया जा रही है, वहां तुम झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है, इसको छोड़ा जाए, ये गाय मेरी अपनी है, इसको छोड़। पर हम झूठ कहां बोलते हैं जहां हमारा हित होता है, हम झूठ कहां बोलते हैं जहां हमारा कुछ अच्छा हम देख लेते हैं कि झूठ बोलने से यहां मेरा फायदा होने वाला है, हम वहां झूठ बोलते हैं। पर शास्त्र कहता है मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गाली, अरे ओ अज्ञानी मत करना गाली, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने अपने लिए झूठ नहीं बोला, अपनी भलाई के लिए झूठ नहीं बोलना। अगर बन सके तो किसी का हित हो रहा हो, किसी का अच्छा हो रहा हो, तो झूठ बोलने में, कहीं गौ माता कट रही है उसको बचाने में बोल सकते। किसी का जीवन अगर सार्थक हो रहा है तो बोल सकते।
अपना लोभ नहीं, अपना लालच नहीं, अपना सुख नहीं। शिव कथा करें, शिव महापुराण की कथा करें, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जब शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। ब्राह्मण कर्म से तो वो वंचित था, ब्राह्मण कर्म से तो वो छुटा हुआ था, ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर लिया था पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था, वंचित था। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकाग्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा के भाव को लीन रहना। अब आज के जमाने में सब अपने अपने कर्म में लगे हैं, केवल व्यक्ति कहीं ना कहीं भटक रहा है तो अपने पथ से भटक रहा है। ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित हो रहा है, वैश्य अपने कर्म से वंचित हो रहा है, क्षत्रिय अपने कर्म से वंचित हो रहा है, शूद्र अपने कर्म से वंचित हो रहा है। श्रेष्ठ कर्म करें। देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाए, ब्राह्मण तत्व धारण नहीं कर पाए। अब जब वो ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया तो ब्राह्मण तत्व धारण ना करने के कारण वो चोरियां करने लगा, थोड़ा सा धन एकाग्रित करने लगा, और चोरी का धन लेकर शरीर में जब ताप पड़ा, शरीर में जब बुखार लगा, ठंड सी लगी, तब शिव मंदिर में गया छुपने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए तब शिवालय में गया। अब किसी ना किसी भाव से, किसी ना किसी रूप में शंकर के पास गया तो है, किसी ना किसी रूप में शिव तत्व के नजदीक गया तो है। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां कई बेटे ऐसे बैठे हैं, कई माता कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे जीजा होने से बैठे हैं कि उनका मन नहीं होगा। मान लो उनका मन नहीं है कि मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, भीड़ होगी मैं कथा में नहीं जाऊं, पैदल चलना पड़ेगा मैं कथा में नहीं जाऊं, पर हो सकता है अपनी पत्नी के कारण मुझे छोड़ने जाना पड़े, मुझे वहां तक छोड़कर आ जाओ, भले तुम वापिस आ जाना पर मुझे छोड़कर तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा, मैं वहां पर कथा सुनने के लिए जाऊंगा। अरे वहां ऑटो नहीं मिलेगा, अरे मत मिलने दो, तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे ये बताओ। अब पति ने सोचा कि भाई इतना मगजमारी करने से तो अच्छा है शिव महापुराण की कथा में चलूं, चल मैं तुझे कथा मिले चलता हूं। और पति कथा में लेकर, अब जरा विचार करिएगा कि पति का मन नहीं था, या किसी सहेली का मन नहीं था, या बेस्ट फ्रेंड का मन नहीं था, या जेठानी का मन नहीं था, या देवरानी का मन नहीं था, या किसी रिश्तेदार का मन नहीं था, पर वो मन मार कर भी शिव महापुराण की कथा में अपने रिश्तेदार के साथ, अपने कुटुंबी के साथ वो कथा में आकर बैठ गया। तो किसी ने पूछा, गुरु जी जिसका मन नहीं है वो कथा में आकर बैठ जाए, उस जबरदस्ती आकर बैठ जाए, कोई मार ठोके ला के बिठा दे, या किसी ने जबरदस्ती लाकर बिठा दिया, या पत्नी के कहने पर पति जबरदस्ती आ गया, या कोई जेठानी देवरानी जबरदस्ती आ गई, तो कथा का कोई पुण्य उसके खाते में मिलता है कि नहीं मिलता? महापुराण की कथा कहती है नल के नीचे मटके को सीधा लगाओगे तो भर जाएगा, नल के नीचे मटका उल्टा लगाओगे तो भर आएगा नहीं पर ठंडा जरूर बना रहेगा। उसी तरह कोई अच्छे मन से आया तो उसके अंदर कथा भरा जाती है, और कोई अच्छे मन से नहीं भी आया तो उसको कथा शीतलता तो दे ही देती है। शिव महापुराण उसको शीतलता देती है, शिव महापुराण उसको एक आनंद का अनुभव करा देती है, भले उसका चित्त कथा में नहीं लगे, भले उसका मन कथा में नहीं लगे, उसकी चित्तवृत्ति कथा में न लगे, पर वो कथा में आकर बैठ गया, मतलब बैठा है तो ये निश्चित है। आपको भूख लगी है, आप शादी में गए हो, पंगत लगी है, पत्तल लग रही है, और पत्तल लगते लगते कोई पत्तल देने वाला आया, तुम्हारे साथ में कोई दूसरा बैठा है उसका पेट भरा हुआ है, वो नहीं खाना चाहता, फिर भी पत्तल वाले को थोड़ी ना मालूम कि इसका पेट भरा है कि खाली है, वो तो पत्तल लगाते 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 गया और उसने पत्तल वहां लगा दी। जिसका पेट भरा था उसके पास भी पत्तल लगी है, तो पड़ोसी ने कहा तो तेरा तो पेट भरा था, हाँ मैं नहीं खाऊंगा, तो पत्तल लगे कोई बात नहीं, अब पत्तल लगी थी इतने में नुक्ति देने वाला है, बूंदी 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 नुक्ति नुक्ति नुक्ति, और मालूम पड़ा वो नुक्ति उसको डालकर चले गया। फिर पड़ोसन ने कहा तेरा तो पेट भरा था, अब ये बूंदी कौन खाएगा, अब रख गया तो रख जाने दो, थोड़ी देर में गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन करता आया और गुलाब जामुन रखकर चले गए। अब रखा तो था तो उसने सोचा इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया है, मेरा पेट भी भरा है, कोई बात नहीं मैं उसको बांध कर अपने घर के लिए लेकर चले जाता हूं। अगर मन नहीं भी लगे और अगर कोई शिवपुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है तो मेरा महादेव उसकी उसके पल्लू में कुछ ना कुछ अच्छा बांध कर भेज ही देता है, वो शिव तत्व है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। अब मन से जाओ चाहे बेमन से जाओ, जैसे जाना है शिव के पास, जैसे तुम्हारी मर्जी है। वो कहते हैं ना नौकरी
चाकरी, तनख्वाह और वेतन। जम जम के बोलो जरा, क्या चीजें चारों जम के बोलो जरा। नौकरी, फिर चाकरी, तनख्वाह, फिर वेतन। ये नौकरी करने वालों को सबको मालूम है कि चार चीजें। फिर से बोलो एक बार जम के जरा। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन। अब नौकरी में व्यक्ति जो कमाता था तो घर में नौ लोग भी रहते थे तो उनका वो पेट भर देता था। नौकरी का मतलब है कि नौ लोगों का पेट वो आराम से भर देता था नौकरी में। चाकरी में जम के बोलो जरा, चार लोगों का पेट भर देता था। तनख्वाह मतलब उतनी मिलती है जितनी तन खा सके, केवल तन खा सके उतनी तनख्वाह है। और वेतन मतलब अब उतना मिलता है जितना ये तन भी नहीं खा सकता। वेतन बेमतलब का उतना। नौकरी मतलब नौ लोगों को भी खिला दिया जाए घर के, तो नौकरी में एक नौकरी में वो पूरे नौ लोगों का पेट भर देता था। चाकरी में चार लोगों का पेट भर देता था। तनख्वाह में खुद अकेला तन को खिला लेता था। और वेतन में अर्थात ये तन भी उसको प्रयोग ना कर सके, वो वेतन है, अर्थात कुछ भी नहीं बचता, केवल शून्य के बराबर है। बेटे को पढ़ा ले, बेटी को पढ़ा ले, उसकी शादी कर दे, उसकी चाकरी कर दे, बहन के घर का मायरा भर दे, सब कुछ कर दे, कुछ नहीं बचता। तब कहा नौकरी में नौ खा सकते हैं, चाकरी में चार खा सकते हैं, तनख्वाह में शरीर खा सकता है और वेतन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तब शास्त्र कहता है कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर चलने दो और एक नौकरी और चालू करो, वो मेरे शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने की नौकरी प्रारंभ करो। तब शिव जी के मंदिर में जाइए, एक लोटा जल बाबा देवाधि महादेव को समर्पित करें और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी मेरे बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया सबसे। अब हमारे यजमानों के लिए, मेरी किस्मत का जब गुल खिला, साहू जी मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर खिला, मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर खिला, मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे। ये भाग्य से मिला, नौकरी चाकरी तनख्वाह वेतन ये सब चीज से भी अगर कहीं खाली रह जाओ तब आखिरी में मेरे शिव के द्वार जाओ, मेरे शंकर की चौखट। बोलबम का नारा है, अच्छी अच्छी जम के जरा जोरदार बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल आखिरी में शिव के करीब। शिव करते क्या है, अपनी शरणागति में जो आ गया, शंकर के करीब में जो आ गया, शिव उसको अकेला नहीं छोड़ते, उसको सुनना नहीं छोड़ते। पापी से पापी को भी शिव अपना बना लेते, पापी से पापी है तो भी शंकर उसको अपना बना। आपसे पूछें, ध्यान देना जरा, कोई बहुत चोरी करता है, बहुत चोरी करता है, मर गया, उसके घर के लोग उसको अर्थी पर बांध कर सफेद कपड़ा लपेट कर राम नाम, जम के बोलो जरा राम नाम,
सत्य है, बोलते 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 उसको कहाँ ले गए, जम के शमशान। शमशान में कौन रहता है? शिव। चोरी करने वाला है बेकार है, झूठ बोलने वाला है बेकार है, निंदा करने वाला है बेकार है, कपट करने वाला है बेकार है, बहुत गलत गलत काम करने वाला है, अगर वो मर भी जाता है तो आखिरी में उसको कहाँ ले जाया जाता है? शंकर के द्वार शमशान में ले जाया जाता है। शमशान तक लेकर उसको जाते हैं, शिव के धाम तक लेकर जाते हैं। कोई शंकर भगवान से पूछे कि प्रभु इसने तो चोरी करी थी, इसने तो झूठ बोला था, इसने तो कपट करा था, इसने तो बेईमानी करी थी, इसने तो प्रपंच करा था, फिर इसको आपका धाम कैसे मिल गया, आपका दरवाजा कैसे मिल गया? तो शंकर भगवान कहते हैं इसने चोरी करी, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, ये बेईमानी करा, ये छल करा, ये कपट करा, पर इसने एक काम करा कि कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा था, उसके चेहरे का मात्र दर्शन कर लिया, इसलिए मेरे धाम में आकर विराजमान है, इसलिए वो मेरे नजदीक में, मेरे धाम में, मेरे करीब में, मेरे पास में आकर। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले का मात्र मुक्ता दर्शन, और विद्येश्वर संहिता करे, ये विद्येश्वर संहिता विद्येश्वर संहिता कर रही है। शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मात्र पी लेना, पी लेना। शंकर भगवान के शिवलिंग के जल को, और जिसको विश्वास नहीं हो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, हिंदी की। अगर कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी के चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उसको कहो गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की शिवपुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, खुद भी पढ़ो, किसी के कहने पर भरोसा ना करिए, विद्येश्वर संहिता खुद पढ़िए। उसमें लिखा है शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन कर लेने से, पी लेने से तीन ताप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लेता है। सारे देवताओं की मूर्ति और शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग, मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है। राम जी की मूर्ति होती है कि लिंग स्वरूप होता है, जम के बोलो जरा, मूर्ति। कृष्ण भगवान की मूर्ति, इंद्रदेव की, ब्रह्मा जी की मूर्ति, 33 कोटि देवताओं का क्रम उठाकर देखिए, सारे देवताओं की मूर्ति का क्रम है, शंकर भगवान के मूर्ति का क्रम नहीं, शंकर भगवान के शिवलिंग का क्रम। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या है, क्या अंतर है मूर्ति और शिवलिंग में? हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक कभी नहीं कहा आपको कि आप अपने घर में भगवान शंकर की मूर्ति रखो, कभी सुना आपने कि हमने अपनी व्यासपीठ से कहा हो कि भगवान शंकर की मूर्ति घर में रखो? ना, हमने व्यासपीठ से इतना जरूर कहा कि शिवलिंग तुम्हारे घर में होना जरूरी है। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर है, शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए। राम जी की मूर्ति हो, कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, ठाकुर जी की मूर्ति हो, सबकी मूर्ति चल जाएगी, पर शंकर भगवान के शिवलिंग का स्वरूप। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या? सावन के महीने में पूरी आस्था चैनल पर करोड़ों भक्त शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, और केवल भारत में नहीं विदेश में बैठकर भी लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, नए रायपुर से गणोद की इस पवित्र भूमि से करोड़ों शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं। आज की कथा में आप स्मरण करिएगा कि मूर्ति और शिवलिंग में जमीन और आसमान का अंतर है। 33 कोटि देवताओं की मूर्ति होती है, पर शंकर भगवान का मूर्ति नहीं, शिवलिंग होता है। कारण मूर्ति केवल एक की होगी, केवल मूर्ति केवल एक की। राम जी की मूर्ति है तो राम जी की, कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो कृष्ण भगवान की, देवी जी की मूर्ति है तो देवी जी की, इंद्र की मूर्ति है तो इंद्र की, गरुण की है तो गरुण की, वरुण की है तो वरुण की, ब्रह्मा की है तो ब्रह्मा की, सावित्री की है सावित्री की, गायत्री की है गायत्री की, लक्ष्मी की है लक्ष्मी की। मूर्ति केवल एक देवता की, राम जी की है तो राम जी की, कृष्ण की है तो कृष्ण की। मूर्ति एक देवता की होती है, और शिवलिंग एक देवता का नहीं, जिस घर में शिवलिंग होता है वहां 33 कोटि देवता एक ही स्वरूप में विराजमान रहे। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है, बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो कथा सुनने के लिए, और वहां से यहां तक आने में तुम्हारा ऑटो का भी कम से कम 100-200 रुपए 500 रुपए खर्च हुआ होगा। 100 रुपए तो खर्च हुआ ही होगा, बोलो तो सही सही है कि गलत है? हुआ ना। अब तुमने 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए खर्च कर आए हो, इसलिए बहुत ध्यान लगाकर सुनना कि हम जो कथा सुनने के लिए आए हैं, अगर हमने दिल से सुन ली, और अभी तक जो कथा होती थी वो भरे कहीं गांव के बीच में, शहर के बीच में, नगर के बीच में, यहां वहां होती थी, और आज जो कथा हो रही है वो एकांत में बैठकर हो रही है, इसलिए एकांतेश्वर कथा चौगुना फल देती है, चौगुना फल। मूर्ति में और शिवलिंग में जमीन आसमान का अंतर। राम जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो राम जी की मूर्ति कहलाएगी, भगवान कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करोगे तो कृष्ण भगवान की मूर्ति ही कहलाएगी, देवी जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो देवी की मूर्ति ही कहलाएगी, ब्रह्मा जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वो ब्रह्मा जी की मूर्ति ही कहलाएगी, कार्तिकेय स्वामी की मूर्ति का दर्शन करोगे कार्तिकेय स्वामी कहलाएंगे, गणेश जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो गणेश जी महाराज कहलाएंगे। केवल एक
शंकर भगवान की कोई मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का केवल एक लिंग स्वरूप है, शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब, एक प्रतीक शिवलिंग के रूप में है। इसलिए अंदाजा लगाकर रखना कि मूर्ति में एक देवता होते हैं और शिवलिंग के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, सारे देवता। वो एक एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो, सारे देवता, सारे एक लाइन आपके स्मरण में रहती है, सारी तीर्थ धाम हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। फिर से एक बार सब बोलिए, सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सब कुछ है, सारे तीर्थ शिव में बसे हुए, सारे तीर्थ, सारे जहां शिव है वहां गंगा है, जहां शिव है वहां गणेश है, जहां शिव है वहां रिद्धि सिद्धि है, जहां शिव है वहां षडानंद कार्तिक है, जहां शिव है वहां लक्ष्मी है, जहां शिव है वहां विष्णु है, जहां शिव है वहां ब्रह्मा है, जहां शिव है वहां सरस्वती है, जहां शिव है वहां गायत्री है, जहां शिव है वहां सावित्री है, जहां शिव है वहां 33 कोटि देवता विराजमान है। एक शिवलिंग मूर्ति में केवल एक देव होगा पर शिवलिंग में 33 कोटि देव। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सब कुछ आप में समाया, सब कुछ। अब कोई तुमसे कह दे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल ना पीजिए, कोई तुमसे कह दे शिव जी के जल का आचमन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शंकर भगवान के जल का सिंचन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है जल तो जल, एक बेलपत्र अगर शंकर भगवान की शिव पर चढ़ी हुई मिल जाए उसको मात्र मस्तक से लगा लिया जाता है तो कहते हैं चारों धाम के तीर्थ का फल एक क्षण में मिल जाता है। एक बेलपत्र से चार धाम तीर्थ का फल तुरंत प्राप्त, एक बेलपत्र से। एक पत्र, सफरी साहू, पति रामाधर साहू, बेटा रवि साहू, बहू वंदना साहू, मठ पुरेना, सही बोला है, ठीक है, मठ पुरेना रायपुर छत्तीसगढ़ से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। बच्चे आए हैं, दोनों आए हैं, इसको उधर लगाना था, सर लिया दोनों बच्चों को लिया। रवि साहू, बहू वंदना साहू, मठ पुरेना रायपुर छत्तीसगढ़ से। गुरुदेव, मेरी बहू के गर्व नहीं ठहर रहा था, गर्व ठहरता खराब हो जाता, ऐसा कई बार हुआ पर गर्व नहीं ठहरा। हम कभी शिवपुराण नहीं सुनते थे क्योंकि हम थोड़ा विश्वास कम ही करते थे, पर किसी के कहने पर हमने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ किया और कथा सुनने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग आपने बताया वो हमने अपनी बहू से करवाया। अब विश्वास तो था नहीं, फिर भी हमने बहू से कहा कि तुम एक बार वो प्रयोग तो करो, और बहू ने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग जब किया तो बाबा की कृपा से मेरी बहू के दो जुड़मा संतान का प्राप्ति हुई, मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। शिव तत्व की प्राप्ति, जब एक विश्वास, जब एक भरोसा दृढ़ हो जाए, दृढ़ जब एक भरोसा दृढ़ हो जाए, एक विश्वास दृढ़ हो जाए तो शिव कैसे ना मिले। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई भस्म, शिव जी पर चढ़ी हुई भस्म की भी कीमत करोड़ों में हो जाती है, करोड़ों में। शंकर भगवान को चढ़ी हुई एक भस्म की कीमत भी करोड़ों में हो जाती है। शिवतत्व कहता है कि शंकर पर चढ़ी हुई भस्म भी हमारे शरीर पर लग जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म भी हमारे शरीर पर लग जाए या हमारे घर में अगर थोड़ी सी लग जाए तो हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। शिव पर चढ़ी भस्म, शंकर पर चढ़ी एक बेलपत्र, शंकर का नाम का स्मरण गुणगान, एक पत्र और है,
मैं उमा त्रिपाठी, स्थान काशीराम नगर, मैं उमा त्रिपाठी, स्थान काशीराम नगर। अरे काशीराम नगर कहाँ है? यहीं है क्या? अच्छा, कहीं बैठी हैं उमा जी त्रिपाठी? कहीं बैठी हो तो जरा दोनों हाथ ऐसे हिलाओ तो दिख जाओगी। उमा त्रिपाठी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ, फिर से हिलाओ एक बार ऐसे हाथ। हाँ, दिख गए हो, ठीक है। आइए पधारिए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, जाओ। मैं उमा त्रिपाठी, स्थान काशीराम नगर। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। बाबा, मेरी सांस के छाती में, सीने में एक गठान हो गई। जब गांठ हो गई सीने में तो डॉक्टर को जब बताया गया तो मालूम पड़ा कि उनको कैंसर हुआ। अब कैंसर की गठान मेरी सांस के सीने में, छाती पर हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इनको ऑपरेशन कैसे किया जाए, अवस्था कैसे करूं तो करूं क्या। जब सीने में गांठ हो गई और जांच में बताया कि कैंसर हो गया, अब करें क्या। तब दवाई लेकर डॉक्टर से बात कर हम आ गए और देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते और अपनी सांस को लाकर दे देते। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, मैं क्या गुणगान करूं। दूसरी बार जब हम वापिस अपनी सासू माँ का जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल एक महीने के बाद लेकर गए, बाबा की कृपा से उनकी कैंसर की सारी रिपोर्ट नील हो गई और उनकी जांच ठीक। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा नाम है उमा त्रिपाठी, स्थान काशीराम नगर से आई हूँ। काशीराम, अरे शिव तत्व की प्राप्ति। रवि साहू जी और बहु वंदना। एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों का स्वागत। शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्श दया करीन दर्श। शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया। प्रतिमा और शिवलिंग दोनों में अंतर, प्रतिमा और शिवलिंग दोनों में अंतर। सफरी साहूपति रामधर साहू जी ने पत्र में एक लाइन अच्छी लिखी है, हम नहीं जानते थे कि शंकर के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की महत्वता क्या। हम नहीं जानते थे कि शंकर पर चढ़े हुए शिवलिंग पर, शंकर पर चढ़े हुए शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र की महत्वता क्या। इन्होंने पत्र में लाइन अच्छी लिखी, दुनिया के लोग जिस दिन जान जाएंगे ना कि शंकर का शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल कितना महत्वपूर्ण है, दुनिया का एक एक बच्चा आ जाएगा, आ जाओ, दुनिया का एक एक बच्चा बच्चा जब जान जाएगा कि शंकर पर चढ़े हुए जल की मूलता क्या, क्या उसको समझ। त्रिपाठी आप ही तो ये कई वर्षों के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं कुबेरेश्वर बाबा की कृपा। शिव तत्व की प्राप्ति,
जिस दिन एक शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की महत्वता को दुनिया के लोग जान जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि शिव पर चढ़ा हुआ केवल जल जल नहीं होता, शंकर पर चढ़ा हुआ तो गंगा जल होता है, और जिस जल को पीने से सारे पाप ताप समाप्त तो हो जाते, सब कुछ। शिव पर चढ़े हुए जल का मात्र आचमन कर लेने पर, शंकर के चढ़े हुए जल का मात्र अपने ऊपर प्रक्षण कर लेने पर जीव को क्या क्या सुख प्राप्त हो जाता है, क्या क्या उसको समझ में जिस दिन आ गया। फिर निवेदन है, प्रतिमा एक की होती है और शिवलिंग एक स्वरूप में, शंकर के शिवलिंग में केवल एक देव नहीं, शंकर के शिवलिंग में अनेक अनेक देव, 33 कोटि देवता उस शिवलिंग के अंदर विराजमान होते हैं, 33 कोटि। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते हैं, हाथ उठाओ जरा, सभी लोग जाते हो, बहुत बहुत साधुवाद रखिए, हर हर महादेव। जाना चाहिए, अपने पिता के दरवाजे पर, अपने बाबूल के दरवाजे पर, अपने भगवान देवदत्त महादेव के दरवाजे पर रोज जाओ, प्रतिदिन जाओ, अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर जरूर जाए प्रतिदिन, और हृदय से विनती करें, कौन जिसको शंकर स्वीकार नहीं करता, कौन है? कहने वाले कहते रहेंगे शिव जी पे जल मत पियो, शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का स्मरण मत करो। निवेदन, जितना ज्यादा इधर उधर भटकोगे पूरी जिंदगी तुम्हारी भटकने में निकल जाएगी और कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। अब अपने दिल को एक पक्का कर लो कि हम शंकर के हैं, शंकर हमारा है, हम शिव को जैसे भजेंगे शिव हमको वैसा मिल जाएगा, बाकी का हमें कहीं नहीं जाना, हमें शिव तत्व को जानना है। जितना भटकोगे उतना लोग भटको, जितना, और कितनी किस्मत लेकर आयो जी, अरे गणोर वालों को तो कितनी किस्मत, जरा भाग्य की सराहना करिए तुम्हारे, एक तो सावन का सोमवार और 72 वर्ष में पड़ने वाला ऐसा सावन, सोमवार का दिन शिव महापुराण की कथा और बचा कुचा था तो सोमवार की अष्टमी भी आज ही है, ये शिव कृपा, ये भगवान देवदत्त महादेव की कितनी कितनी करुणा, कितनी कितनी उदारता, जरा विचार करिए, कितनी कृपा, कितनी उदारता, कितनी करुणा। अब शिव उदारता, शिव शंकर की, भगवान ओघड़दानी की जब उदारता हो तो क्यों ना कुछ प्राप्त, वो कहते हैं ना, गोरा की चुनरी में ओम लिखा है, गोरा की चुनरी में ओम लिखा है, ओम लिखा है हरि, ओम लिखा है, ओम लिखा है हरि, ओम लिखा है, गोरा की चुनरी में 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 ओम लिखा है, ओम लिखा है हरि, ओम लिखा है, ओम लिखा है हरि, ओम लिखा है, बाबा ओम लिखा है हरि, ओम लिखा है, ओम लिखा है हरि, ओम लिखा है, हरे गोरा की चुंदरी में ओम लिखा है, ओ गोरा की चुंदरी में ओम लिखा है, ओ गोरा की चुंदरी में ओम लिखा है, गोरा की चुंदरी में ओम लिखा है, हाँ ओम लिखा है हरि, ओम लिखा है बाबा, ओम लिखा है हरि, ओम लिखा है, अरे ओम लिखा है हरि, ओम लिखा है, ओम लिखा है हरि, ओम लिखा है।
गोरा के माथे पे बिंदिया विराजे, गोरा के माथे पे बिंदिया विराजे, ओ गोरा के माथे पे बिंदिया विराजे, गोरा के माथे पे बिंदिया विराजे। बिंदिया की चमक में ओम लिखा है, बिंदिया की चमक में ओम लिखा है, ओ बिंदिया की चमक में ओम लिखा है, बिंदिया की चमक में ओम लिखा है, ओम लिखा है हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है हरि ओम लिखा है, दादा ओम लिखा है हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। अरे गोरा की चुंदरी में ओम लिखा है, गोरा की चुंदरी में ओम लिखा है, ओम लिखा है हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। गोरा के हाथों में कंगना विराजे, गोरा के हाथों में
कंगना विराजे, गोरा के हाथों में कंगना विराजे, कंगना की कंगन पे ओम लिखा है, कंगना की कंगन पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओ गोरा की चुंदरी में 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 ओम लिखा है, ओ ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, बाबा ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, बाबा ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, बाबा ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, शंभु ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, आज सोमवारी श्रावण का महीना और सोमवार की पावन अष्टमी तिथि, भाव के साथ देवद्रु महादेव से अपने मन की बात दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से निवेदन करिए, बाबा से निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से अपने मन की बात करिए। भगवान देव अपने भगवान शिव का चरित्र कह रहा, भगवान शंकर की करुणामय कथा कह रहे। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर, मूर्ति में केवल एक देव होते हैं, शिवलिंग में 33 कोटि देवता। एक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल 33 कोटि देवताओं पर चढ़े हुए जल के चरणामृत के बराबर। यदि हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो समझ कि वो सबको नमन कर लिया, सबको। दुश्मन भी है तो शंकर उसको स्वीकार करते हैं, दोस्त भी है तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, कैसा सा कैसा पापी से पापी जीव भी है तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण की। शास्त्र कहता है, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी सावन के महीने में पूजन का इतना महत्व क्यों होता है। संपूर्ण क्षेत्रवासी और संपूर्ण देशवासी और संपूर्ण विदेश में बैठे हुए शिव भक्त भी ध्यान दें, श्रावण महीने का पूजन का इतना महत्व क्यों है। एक कथा बड़ी सुंदर आती है, श्रावण महीने में माता पार्वती जी भगवान शिव की आराधना में लीन। स्वामी की पूजन के लिए पार्वती पूजन की थाली स्वयं लगाती है, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं और जितने मेरे भाई बैठे हैं, आपसे निवेदन है, पशुपति व्रत यदि आप करते हो सोमवार का
सावन के सोमवार का व्रत यदि आप करते हो, 16 सोमवार यदि आप करते हो, संकट सोमवार यदि आप करते हो, तो निवेदन, पशुपति व्रत करने वाली मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा हो, मेरी माता है, मेरे भाई हो, या संकट सोमवार करने वाली या 16 सोमवार करने वाले जितने मेरे बहन भाई, शंकर भगवान के पूजन की थाली अपने को स्वयं लगाना चाहिए, स्वयं। इसका फल कितना है वो शिवपुराण बता रहे, स्वयं लगाइए शिवपुराण की पूजन। हम जब यजमान पूजन करने आते हैं तो हम तो यहाँ कहेंगे यजमान परिवार से, साहू परिवार से, श्री चंद्रकांत जी साहू जी से, भूपेन जी से, चंद्रशेखर जी से, धर्मेंद्र जी से, वीरेंद्र जी से, और उनकी धर्म पत्नी अगर कथा सुन रही हैं तो उनसे भी कहेंगे। यहाँ पूजन की आरती की थाली भी आपको लगाना चाहिए, और पूजन जो हो तो उस समय पर घर की बहुओं को आकर बैठ कर ब्राह्मण देवता के साथ में मिलकर पूजन का सामान की थाली आपको तैयार करना चाहिए। कहते हैं एक बार अगर शंकर भगवान के पूजन की थाली की तैयारी हम स्वयं करते हैं तो हमारे घर में कितना भी अगर कष्ट भी है तो भगवान भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर करते हैं। इतना फल है पूजन की मात्र थाली को। देखिए शिवपुराण की कथा कितनी अच्छी बात कर रही है कि पार्वती जी शंकर भगवान के पूजन की थाली तैयार कर रही है, माता पार्वती जी पूजन की थाली पूर्ण श्रृंगारित कर रही है, और ये रुचि से, बिना रुचि के कुछ नहीं हो सकता। आप लोग कथा सुनने आए हो तो रुचि से आए हो कि मुझे कथा में जाना है, कोई बेरुचि से यहाँ कथा में नहीं पहुंचा। बेरुचि वाले होते तो आते ही नहीं, इतनी दूर कौन चल के जाए, कौन जाए करते रहते। पर जिसकी रुचि है, जिसने जान लिया कि 72 साल बाद ऐसा सामान आया है और 5 दिन की मात्र शिवपुराण की कथा मिल रही है, 5 दिन से ज्यादा है भी नहीं, तो मुझे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वहां पहुंचना है। ये रुचि से गया, रुचि से आया, अपने साथ में बिछाने का अपने पन्नी ले ली, पॉलिथीन ले ली, बरसाती ले ली, छाता ले लिया, पानी की बोतल ले ली, कथा में पहुंच गया। एक पत्र है, डॉक्टर मोहन हरदेल, पिता स्वर्गीय मिलाप सिंह, माता प्रेमाबाई जिनकी उम्र 94 वर्ष है। डॉक्टर मोहन हरदेल कहीं बैठे हैं क्या? आप ही हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्य, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं डॉक्टर मोहन हरदेल, गुरुदेव भरवारा धमतरी से आए हैं। मैं डॉक्टर मोहन हरदेल, गुरुदेव आप हमेशा कहते हैं कि माता पिता की सेवा मूल होती है और माता पिता की सेवा करना चाहिए। हम भी बाबा देवदीन महादेव की कृपा से अपनी माता की और संपूर्ण वृद्धजन की सेवा में लगे रहते हैं। गुरुदेव तोड़िया में जब कथा चल रही थी आपकी, आपके मुख से हमने सुना था कि अगर शिव महापुराण में आने वाले शिव भक्तों का अगर मुख झूठा कराया गया है तो उसका फल मिलता जरूर। किसी ने अगर एक पानी की बोतल दी है, पानी का पाउच दिया है, किसी ने उनका मुख झूठा कराया, किसी ने बिस्कुट दिया, किसी ने कुछ खाने का दिया, अपने घर से कोई पूड़ी बना लाया, कोई रोटी बना लाया, और उनका अगर मुख झूठा करा दिया, उसका फल मिलता जरूर। और गुरुदेव पहले हमको विश्वास नहीं था क्या ऐसा होता है, फिर हमने भी ये करके देखा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी का मुख झूठा कराओ तो बाबा भंडार जरूर भरता। हमने कोड़िया की कथा में 10-10 रुपये का पॉपकॉर्न का पाउच खरीद लिया, और पॉपकॉर्न का पाउच खरीद कर हमने 30-40 लोगों को वो कथा सुनने, जो पहले से रात भर जो रुकने वाले भक्त हैं उनको हमने दिया खाने के लिए। और बाबा मैं क्या वर्णन करूं, एक हफ्ता नहीं हुआ और एक हफ्ते के अंदर बजाज एयरलाइंस वाले मैनेजर का फोन आता है और कहते हैं आपकी बेटी मोनिका हरदेल के नाम से 10-10 हजार की पहले कभी किस्त जमा हुई होगी तो उसका पैसा 1,77,000 रुपये आपको देना है। गुरुदेव कब किस्त जमा करी थी उसकी कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं थी, कब पैसा जमा करा था हमको नहीं मालूम था, कब हम पैसा जमा करें हमको उसका भी याद नहीं है, और बेटी के नाम पर उनका फोन आया कि पैसे देना है। हमको लगा कि फोन पर तो बेवकूफ़ बनाने वाले ढेर सारे हैं, कोई किसी रूप में बेवकूफ़ बना देता है, किसी रूप में बना देता है, तो हमने उसको ध्यान नहीं दिया। पर कंपनी वाले खुद आकर हमसे कहते हैं आपकी पॉलिसी दीजिए, हमारे पास पॉलिसी नहीं मिली, तो उन्होंने खुद कंपनी से पॉलिसी निकाल कर हमारी बेटी को 1,77,000 रुपये प्रदान किए। केवल किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने का क्या ये फल मिल सकता? और दूसरा गुरुदेव एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी भतीजी ने PSC की परीक्षा दी थी और परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी, परेशान हो गई, तो हमने हमारी भतीजी से कहा था कि शंकर पर जल चढ़ा, और वो सियोर वाला महाराज कहता है कि लगन से मेहनत कर, जितनी पढ़ सकती है उसे चोगना पड़, वो सियोर वाला महाराज कहता है जितनी लगन से पढ़ोगे उतना फल मिलेगा। हमारी भतीजी ने चोगनी मेहनत करी, आखिरी में बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाया और फिर वापिस एग्जाम दिया। आज मेरी बेटी भतीजी डिप्टी डायरेक्टर जिला पंचायत गारियाबाद में पोस्टिंग हुई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूँ। एक शिव तत्व, एक शिव भक्त, एक शिव की उपासना, ठीक है।
बाबा की कृपा है। एक शिव के उपासना करने वाले के शंकर की कथा श्रवण करने वाले हम फिर कहेंगे ये तो गणोद वालों का भाग्य जागृत हुआ है। गणोद वालों का भाग्य जागृत हुआ है। अपने घर में अगर थोड़ा सा भी सीरा बना लिया, कभी थोड़ी सी खिचड़ी बना ली, चार रोटी ज्यादा बना ली, थोड़ी पूरी बना ली, आ गए, जब समय मिला कोई देखा कि कोई शिव भक्त रात्रि भर बैठा हुआ है, शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, उसमें दो रोटी में सब्जी डालकर उसको प्रेम से कभी देकर तो देखना कि उसका फल कितना मिलता है, उसका फल कितना मिलता है। इसी प्यासे को पानी पिलाकर देखो शिव भक्त को कि उसका फल कितना होता है। करो सब। हम तो अभी 17 अगस्त को सीहोर की कावड़ है, सुबह 9 बजे की सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक जाती है। हम तो आसपास के क्षेत्रवासियों से भी कहते हैं वहां के कि इतने शिव भक्त कब आते हैं, उनकी सेवा करो, दिल से करो, खूब करो, खूब करो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा लो। सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतना फल प्राप्त होगा। जितनी गौ माता को खिलाया हुआ, बहन बेटी को खिलाया हुआ, संत ब्राह्मण जन साधु जन को खिलाया हुआ, किसी भूखे को खिलाया हुआ और किसी शिव भक्त को खिलाया हुआ कभी घटना नहीं है, चार गुना बढ़कर मिलता जाता है, मिलता जाता है। स्वयं 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 अपने हाथों से सेवा करिए, अपने हाथों से पूजन की थाली को साफ करिए, अपने हाथों। पशुपति व्रत करने वाले ध्यान लगाकर सुनना कि पशुपति व्रत का फल कब मिलता है, जब अपनी थाली अपन पूजन की खुद लगाए स्वयं। कितनी बड़ी कथा, आप में से कोई ने संकट सोमवार करें, 16 सोमवार संकट सोमवार जिसने करे हाथ उठाओ जरा, बहुत सारे लोगों ने करे, रख रख रख। आप लोगों ने संकट सोमवार 16 सोमवार का अगर व्रत करा है तो उसमें कथा आती है, उस कथा में वर्णन आता है कि रानी ने दासी के हाथ से पूजा की थाली भेज दी थी। बोले सुनी कि नहीं सुनी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। रानी ने पूजन की थाली दासी के हाथ से भेज दी थी और दासी के हाथ से जब पूजन की थाली भेजी तो रानी को दर दर ठोकर खाना पड़ी, अर्थात रानी अगर वो पूजन की थाली स्वयं लगाकर देती तो उसका फल चोगना प्राप्त होता। चोगना केवल मंदिर में सफाई करना, मंदिर में साफ करना, मंदिर में पूजन करना, मंदिर की देखरेख करना या शिवालय की ओर एक अग्रणता रखना, सुख मिलता है, सुख मिलता। शिव तत्व कह रहा भगवान शंकर एक पत्र है। मेरा नाम अनीता साहू, पति का नाम नंद कुमार साहू, मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं तिलदा नेवरा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम अनीता साहू, पति का नाम नंद कुमार साहू, मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं तिलदा नेवरा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक दिख गए, आ जाओ बच्चे को लिया लिया। गुरुदेव शादी के 5 साल तक हम इंतजार करें कि बच्चा होगा, संतान होगी, पर नहीं हुई। 6, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल निकलते चले गए, संतान का सुख नहीं आया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास हमने इलाज नहीं करवाया, हर जगह पर इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। बहुत सारे वेदों को दिखाया, टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे घर में संतान नहीं होगी, संतान का सुख नहीं होगा, तो हमने टेस्ट बेबी करवाया, टेस्ट पेपर भी करवाया, तो भी हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। गुरुदेव 2022 में भाटापारा में पहली बार आपकी कथा सबके कहने पर सुनना चालू करी। 2022 में जब हम भाटापारा में कथा सुनने के लिए गए, आप कहते हो पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल बहुत मिलता है, जो मांगो मेरा बाबा वो देता है। हमने भाटापारा की पंडाल में बैठकर एक दिन की मात्र कथा सुनी और कथा सुनकर हमने वहीं से पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। रोज मंदिर जाते, मंदिर में जाकर जल चढ़ाते, मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, सब लोग हम पर हंस कर जाते, क्या तुम मंदिर में नौकरी करते हो, क्या तुम्हें तनख्वाह मिलती है? हम बाबा की नौकरी करते हैं गुरुदेव। मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर आ जाते, जल चढ़ा कर आ जाते, सारे डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट के अनुसार मैं कभी मां नहीं बन सकती थी, पर हमने जब भाटापारा की कथा सुनी और शिव मंदिर की सेवा करी तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और 16 अगस्त 2023 को
मुझे संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि तुम्हें कभी औलाद नहीं हो सकती थी, तो औलाद कैसे हो गई? ये शिव की कृपा है जो 16 अगस्त 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और एक लाइन अच्छी लिखी है, मेरे भोले तेरी मोरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। एक शिव भक्त, मूर्ति में केवल एक देवता होते हैं, शिवलिंग में 33 कोटि देवता होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र, शिवलिंग के चढ़े हुए जल का मात्र अगर हमारे ऊपर एक जल की बूंद भी हमारे मस्तक पर चढ़ जाए, हमारे घर पर छिट जाए, हमारी दुकान पर पड़ जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। मात्र एक, मात्र बोलबम का नारा है, जम के जरा बोलबम का नारा है, एक बूंद जल में भी वो फल हमें प्राप्त हो। करो उसे, करो। पार्वती जी ने पूजा की थाली लगाई, पूजा की थाली माता पार्वती, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कैसे करूं सेवा, कैसे करूं आराधना? पार्वती पूजन पूजन की थाली लगाकर आई। जो माता पार्वती जी ने पूजन की थाली लगाई, सावन महीने की पूजन, माता पार्वती जी नियम लेकर शंकर की आराधना में डूबी। शिवराधना, थोड़ा नियम लेकर पूजन करने वाले की परीक्षा भगवान लेता बहुत है। जो नियम लेकर कथा सुनते ना, मैं अब की बार जो नया रायपुर में कथा हो रही है पूरी 5 दिन की सुनूंगी पक्का। नियम ले लिया, इतनी देर में मालूम पड़ा कि कहीं कोई मेहमान घर में आए, फिर नियम लिया मैं अब की बार कथा पूरी सुनूंगी, मालूम पड़े कहीं दूर के दूर के दूर के दूर के दूर के रिश्तेदार के यहां कुछ हो गया, फिर निवेदन है जब कथा में पहुंच जाऊं ना, कथा में जब पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद पहले से अपने मोबाइल पे मत डालो कि मैं नया रायपुर कथा सुनने जा रही, बाय बाय। पहले से अपने स्टेटस मत लगाओ कि मैं कथा सुनने जा रही, जाते जाते भी रस्ते से वापिस लौटना पड़ सकता है, इसलिए जब कथा में पहुंच जाओ तब सेल्फी लो कि हो सकता है कि हमें कथा में पहुंच गई। हमारे कुछ कर्म हमको कथा में जाने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म हमें भगवान के नजदीक जाने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म परमात्मा के नजदीक पहुंचने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म भगवान के नजदीक जाने से रोक सकते हैं। पहुंच जाओ तब तो आ जाइए। कुछ कर्म ऐसे जो हमारे रोक सकते, हमारे नजदीक आने पर हमें रोकेंगे, हमें परमात्मा के नजदीक जाने पर रोकेंगे, हमें प्रभु के करीब में जाने पर रोकेंगे। हमारे कर्म जब पहुंच जाओ तब मानो, और खुद खुद फिर चिमटी खोड़ के देखो, हां सही में पहुंच गई, हां सही। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 13 वर्ष के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार संतान का सुख नहीं पर शिव कृपा संभव। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निधि शरणे आपो। शिव तत्व को पाने के लिए पार्वती जी ने नियम ले लिया, सावन का महीना है, मैं शिव की आराधना में लीन रहूंगी, शंकर की आराधना करूंगी, शिव तत्व में डूबूंगी। आराधना में लगी थी, पूजन की थाली तैयार करके बैठ गई थी, तभी उसी समय जालंधर ने पार्वती को पूजन करते समय देख लिया। जालंधर असुर है, राक्षस प्रवृत्ति का है, और जालंधर ने देखा कि पार्वती जी पूजन कर रही है। पहले कथा में कहा है क्रीम की चमक कुछ दिन की होती है और अच्छे कदम की चमक मरते दम तक रहती है। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है, अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक आखिरी तक रहेगी चमक तुम्हारे चेहरे पर अगर कर्म अच्छा करा है।
फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना बच जाएगा, भगवान दया हो से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी मत करना गरी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जलंधर ने माता पार्वती जी को देख लिया, पार्वती जी को देखते ही जलंधर के मन में भाव उत्पन्न हो गया। पार्वती जी की सुंदरता देखकर राजा जलंधर पार्वती जी को अपना बनाने का विचार कर, देवऋषि नारद आए और देवऋषि नारद जी ने आकर जलंधर को समझाया, रे राजा जलंधर, तेरी धर्म पत्नी वृंदा इतनी सुंदर है, तेरी धर्म पत्नी वृंदा इतनी सतित्ववान है, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, पति को परमेश्वर मानने वाली है, वो वृंदा तुझे परमात्मा की तरह पूजती है रे जलंधर, और तू शंकर भगवान की अर्धांगनी माता पार्वती जी को तू गलत दृष्टि से देख रहा है, तेरी बुद्धि मारी गई है, तेरी चित्तवृत्ति ठीक नहीं है। पराई नारी और पराया धन आज नहीं तो कल व्यक्ति को बर्बाद कर मानता है। पराई नारी और पराया धन अभी अच्छा लगेगा पर एक दिन बर्बाद। लंका अधिपति रावण की नगरी में पर नारी माता जानकी जी गई और पूरी राजा की नगरी जलकर भस्म हो गई और पूरा वंश मिट गया। वंश पर नारी और पराया धन, पराई नारी और पराया धन एक ना एक दिन बर्बाद कर मानता है, पूरा वंश मिटा देता है, पूरा वंश। तुम्हारे बच्चे, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, तुम्हारे इतने बड़े पद है, तुम्हारी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, तुम्हारे नीचे 10 लोग सुलूट ठोकते हैं, तुम्हें 50 लोग सलामी ठोकते हैं, तुम्हें 50 लोग आदर सत्कार करते हैं, और तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारी आवाज से ऊंचा बोल रहे हैं, समझ लेना कि कोई धन तुम्हारे घर में गलत आ गया, जिसका भाग आज मुझे भोगना पड़ रहा है और मरते दम तक भोगना पड़ेगा। अभी पूरी दुनिया को तुम दबा रहे हो, आने वाले समय में पद और कुर्सी से जब जाओगे तुम्हारी औलाद तुमको दबाएगी, तब समझ में आएगा कि परधन क्या होता है। पर स्त्री और परधन आज नहीं तो कल रुलाता जरूर है, साधारण नहीं रुलाता, बहुत लंबा टाइम रुलाता, बहुत लंबा समय। सोचिए विचारिए, पर स्त्री का संग नहीं होना। राजा जलंधर ने पार्वती जी पर अपनी दृष्टि, देवऋषि नारद ने समझाया, देवऋषि नारद कहते हैं, ए जलंधर क्या कर रहा है, शंकर भगवान की अर्धांगनी है पार्वती जी, तो उन पर गलत दृष्टि दे रहा है, वो तो माँ है, माँ और माता पर गलत दृष्टि। जलंधर को क्रोध आ गया और देवऋषि नारद को मारने के लिए उसने शस्त्र उठाया, देवऋषि नारद समझाने के लिए आए थे लौट कर चले गए। कुछ समय के बाद दूसरा दिन निकला, ब्रह्मा जी और इंद्र ने आकर समझाया, जलंधर मान जा, पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, पार्वती पर गलत दृष्टि मान जा जलंधर। जलंधर का विनाश काले विपरीत, कैसे मान जा, जब अच्छे मार्ग की ओर तुम बढ़ रहे हो तो समझ लेना कि कहीं प्रभु की कृपा हुई है, गलत मार्ग की ओर आप जा रहे हो तो समझ लेना कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया। प्रभु से बस कहते रहना, कभी कृपा करना इसी कि किसी ना किसी रूप में तू मेरे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, किसी ना किसी रूप में। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करना किसी ना किसी रूप में तेरा दीदार, किसी ना किसी रूप में तेरा स्वरूप का दर्शन, किसी ना किसी रूप में तेरा एक सुंदर भाव का दर्शन आपको और हमको प्राप्त हो, आपको। जलंधर समझाया जा राजा जलंधर को, ये जलंधर पार्वती है, वो माँ है, वो जगत जननी है, वो दुर्गा है, वो जगत धात्री है, वो माँ अम्बा है, और तू गलत दृष्टि दे रहा है, गलत दृष्टि क्यों, गलत दृष्टि क्यों, इसलिए क्यों पहुंचा। और महाराज
समझाया। कभी शिव बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। कभी शिव बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। कभी शिव बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। कभी शिव बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। महाकाल रूप में आना, महाकाल रूप में आना। महाकाली को संग में लाना, महाकाली को संग में लाना। ओ महाकाल रूप में आना, महाकाल रूप में आना। महाकाली को संग में लाना, महाकाली को संग में लाना। डमरू हाथ लेके त्रिशूल साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। डमरू हाथ लेके त्रिशूल साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। दोनों हाथों से चले आना, भोले जी चले आना। बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। तुम कमल रूप में आना, तुम कमल रूप में आना। माँ कमला को संग में लाना, माँ कमला को संग में लाना। ओ तुम कमल रूप में आना, तुम कमल रूप में आना। माँ कमला को संग में लाना, माँ कमला को संग में लाना। चले आना, भोले जी चले आना। मुंडा साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, दिल से भाव से प्रार्थना, बड़े भाव से बैठकर बाबा से निवेदन करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन की बात करिए। भाव से, हृदय से शिव की मन की बात करें, भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपु तेरी माला भोले बाबा जपु तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, जिस भाव से हम शिव को भजते हैं शिव उस भाव से हमारे सम्मुख में आते हैं। राजा जलंधर को समझाया गया, पार्वती मां है, उनको मां की दृष्टि से देखो। पर स्त्री पर धन बर्बादी का एक सिरा है। अब विचार किया क्या करा जाए। ब्रह्मा विष्णु ने भगवान ब्रह्मदेव ने समझाया, नारायण ने समझा दिए, इंद्र समझा दिए, मानने को तैयार नहीं, क्रोध करे, क्रोध बहुत क्रोध गए। अब गया राजा जलंधर और सीधे कैलाश पर पहुंच गया, जिस कैलाश पर माता पार्वती जी तप साधना में लीन थी। माता पार्वती जी तप साधना में डूबी हुई थी, माता पार्वती जी भगवान शंकर की पूजन में लीन थी। सावन का महीना, श्रावण का महीना और पार्वती जी डूबी। श्रावण के महीने में शिव की आराधना का फल, दुनिया के लोग भले हंसते हो कि ये कावड़ भरने से क्या होता है, कावड़ का जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव मंदिर जाने से क्या होता है, शंकर का अभिषेक से क्या होता है, शिव तत्व का भान करने से, कथा सुनने से क्या होता है, वो बाद में मालूम पड़ता है उसका फल क्या है बाद में। एक महिला ने तो अपनी पूरी जाँच रिपोर्ट लगाई है कैंसर की, देखिए गायत्री बघेल नया रायपुर सेक्टर नंबर 17 से आई है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती है। गायत्री बघेल मोबाइल नंबर यह है, नया रायपुर सेक्टर नंबर 17 से आई है, कहीं बैठी हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, जाइए। हाँ ठीक है दीदी, आ जाइए। 2017 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ जिसकी रिपोर्ट उन्होंने लगा रही। तकलीफ बढ़ती गई, शरीर ठीक नहीं, फिर धीरे धीरे 2022 में गले में एक लिम्फ नोड नाम का बीमारी हो गया। करूं क्या, किसी के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीती, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाती। मैं अपनी जांच की रिपोर्ट लगा रही हूं, जो इतने सालों में ठीक ना हो पाई वो मेरे बाबा ने, 2022 में जो बीमारी हुई और 17 में जो बीमारी हुई वो सारी रिपोर्टें मेरे बाबा ने नील कर दी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्टें उसने जांच की लगाई कि मेरी रिपोर्ट नील आई, मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर होती है, हम शंकर की जब अविरल भक्ति प्राप्त करते हैं तो शिव तत्व हमको मिलता है। किसे ना मिला। जलंधर को समझाया गया, बार बार जलंधर को समझाते, बार बार जलंधर से कहते, बार बार जलंधर को समझाया गया कि पार्वती जी को साधारण मत समझो, भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल साधारण पाषाण का टुकड़ा या पत्थर ना समझो। जिस दिन हम पहचान जाएंगे उस दिन हमारे जीवन की एक आनंदता हमारे सम्मुख में, जिस दिन हम पहचान जाएंगे। कई लोग शिव महापुराण को हंसी खेल समझते हैं कि हाँ हो जाएगी, चल जाएगा, हो जाएगा, चल जाएगा, हो जाएगा, चल जाएगा ना। दुनिया के लोग भले उसको सरलता में ले लें कि हाओ शिव पुराण हो जाएगी, चल जाएगी, पर जिसने दिल से सुनी है, जिसने दिल से कही है और दिल से अगर सुनी गई है तो उसका फल कभी खाली नहीं जाता। झोली भर कर लोग शिव महापुराण में से भर कर जरूर लेकर जाते हैं, खाली नहीं जाता। कहने वाला भी दिल से कहने वाला हो और सुनने वाला भी अगर दिल से सुनने वाला हो तो उसका फल खाली नहीं जाता। हम हमारे व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं, पूरी दुनिया की कावड़ भरो और अगर सीहोर का मौका मिल जाए एक बार कावड़ भरने का तो उसको भर कर देखना कि अगला वर्ष जब आता है
तो बाबा क्या क्या प्रदान करता है। सब दूर जाओ और एक बार शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा का रसत्व ग्रहण कर देखिए उसका फल क्या है, आपको मालूम पड़ता है उसका फल क्या है, ये मालूम शिव तत्व है। भगवान वो गढ़ धाम पहुंच गया जलंधर। कभी कभी असुर होकर भी गलत सोच गलत विचार गलत दृष्टि रखने वाला भी भूलवश शंकर के दरवाजे पहुंच जाता है तो भी उसका कल्याण हो जाता है। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोर था, चोरी कर रहा था, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच गया। शंकर जी के मंदिर में पहुंचा और भगवान शंकर की कृपा ऐसी हो गई कि वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया और शंकर के धाम चले गए। आप जरा विचार करिए, चोर था, गलत कर्म में डूबा हुआ था, गलत व्यसन में डूबा हुआ था, गलत विचारों में डूबा हुआ था, उसके बाद भी उसका कल्याण हो गया। मतलब भूलवश कभी नहीं सोचा था उसने कि मैं चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में जाऊंगा, चोरी का आभूषण लेकर मैं शिव के मंदिर में जाऊंगा, पर कहीं शिव कृपा होगी, पहुंच गया, कहीं शिव कृपा होगी। और कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब विधाता है। आप और हम को केवल मात्र सोचते हैं विचार करते हैं, पर बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं, बुलाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल बुलाने वाला शिव है, लाने वाला शिव। देवराज को जैसे भगवान शंकर स्वयं नंदी लेकर आकर कैलाश का वास दिया, वैसे ही एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, एक बिंदु, और एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत व्यसन में पड़कर पानी में डूबकर, गलत कार्य करने वाला, गलत विचार रखने वाला पानी में डूबकर मर गया, मर गया, नरक चला गया, प्रेत की योनि मिल गई। चंचुला देवी ने पार्वती जी के कहने पर तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा कर स्नान किया और चंचुला देवी ने भगवान शंकर की पवित्र कथा का स्नान, भगवान शंकर की पवित्र कथा का स्मरण किया। और जो भगवान शंकर की कथा का स्मरण किया, भगवान शंकर की कथा का स्नान किया, भगवान शिव की कथा को सुना, भगवान शंकर की कथा का जो स्पान किया, उसका फल यह रहा कि बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ और भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करता। स्वयं शिव, स्वयं पार्वती जी, शंकर और पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर जाते हैं। बस इतना, स्वयं भगवान शंकर और पार्वती जी ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे ईश्वर जी और गोरा जी के लिए। राजा जलंधर की और माता पार्वती जी की कथा अभी बहुत रह गई है, उसको कल की कथा में श्रवण करेंगे बड़े भाव और भक्ति के साथ में, आनंद के साथ में। ईश्वर जी और गोरा जी के लिए जोरदार ताली। आज श्रावण का महीना, सोमवार, बड़े भाव के साथ में आप और हम पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं भाव भक्ति से। ये कथा 16 तारीख तक चलेगी। 17 अगस्त को सीहोर की कांवड़ रहेगी कुबेरेश्वर धाम की, सुबह 9 बजे सीवन नदी से प्रारंभ होकर 11 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा कुबेर भंडारी को कांवड़ चलाई जाएगी। सीहोर के आसपास के और सभी क्षेत्रवासी बड़े प्रेम के साथ में, बाहर से आने वाले भक्त भी बाबा की कांवड़ बड़े प्रेम से भरेंगे। 23 अगस्त से 29 अगस्त तक कौंठा ग्राउंड नांदेड़ बाईपास महाराष्ट्र में नांदेड़ में 23 से 29 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव हरियाणा में शिव महापुराण की कथा 3 सितंबर से 9 सितंबर तक रहेगी। बड़े भाव और भक्ति के साथ में ये पवित्र शिव महापुराण की कथाएं चल रही हैं जो जीवन का एक आनंद देने वाली है। आज की प्रथम दिवस की कथाएं विराम ले रही है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। सुंदर आरती का समय हो रहा है, कुछ सूचना, इसके बाद आरती करा रहे हैं।